हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी जम पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। महाराष्ट्र बोर्ड, महाराष्ट्र के 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में जान लगा रहे होंगे, पर यार जब तक मैथ्स को जो है ना लोग इमेजिन ना करवा दे, लोग फील ना करा दे ना, मजा नहीं आता है। तो यार मैं अभी यार वही काम करूंगा। होप करता हूं आपकी पढ़ाई पहले ही अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें यार थोड़ा सा आपको और इनपुट देना चाहता हूं। तो चलिए अब यार समझो, मेरे को यार आप सर समझ लो, टीचर समझ लो, भाई बोल दो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। समझो मैं यार अपने बच्चे को, अगर मैं कभी मेरा अगर बच्चा होता है तो मैं अगर उसको मैथ पढ़ाता हूं तो मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा और मैं किस तरीके से उससे सवाल जवाब करूंगा, वो आपको समझना है और फिर हम आगे जो है इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो मैं अपने बच्चे से जवाब करूंगा और उसी से सवाल भी पूछूंगा और उससे जवाब भी लूंगा। तो चलिए सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो देखो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आया तो हम यही पूछेंगे ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो है क्या। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो मैं अभी आगे पूछूंगा, तो बेटा बता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है सर, एक ऐसी इक्वेशन होती है सर जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल होता है और जो वेरिएबल होती है उनकी डिग्री हमेशा 1 होती है। तो क्या, अच्छा ठीक है बेटा, चल तूने बहुत अच्छा बताया, दो वेरिएबल होते हैं और उनकी डिग्री 1 होती है, बहुत बढ़िया। ये बताओ कि यार जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन यानी कि उसको लिखा कैसे जाता है। तो देखो लिखा जाता है सर, कैसे लिखा जाता है, तो लिखा जाता है ax plus by plus c is equal to 0। इस फॉर्म में जो है हम अपने जनरल इक्वेशन को लिखते हैं। तो यार यहां पे कुछ बातें आती हैं, तो बेटा क्या क्या बातें आती हैं। तो देखो सबसे पहले एक्स वाई जो है हमारा वेरिएबल होना चाहिए सर, एक्स और वाई हमारा वेरिएबल होना चाहिए, ए बी सी जो है हमारे कोएफिशिएंट होते हैं और यहां पर ए और बी सेम टाइम पे जीरो नहीं होना चाहिए, या तो ए जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बी कुछ होना चाहिए, या तो बी जीरो हो जाए, पर दोनों अगर सेम टाइम पे जीरो हो गया तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बचेगी और ये हमारी बन जाएगी यार कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ ए और बी दोनों जीरो हो गए तो बचा क्या, ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट तो यार इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह गई, ठीक है। तो यहां देखो ए एंड बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ए बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ए बी सी जो है रियल नंबर है, रियल नंबर यानी कि ब्रह्मांड में जो नंबर है रियल नंबर में आ जाते हैं, कुछ भी लो, रूट टू, 1/3, 0.3 जो आता है, ठीक है। एक्स वाई की डिग्री या पावर हमेशा 1 होगी, एक्स और वाई हमेशा जो उनकी पावर होगी वो 1 ही होगी, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अभी भी बोलोगे सर वेरिएबल तो 2 ही है और डिग्री, पर यहां डिग्री जो है वो उसकी 2 हो गई, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रह गया। तो बेटे समझ में आया, तो यार जैसे कि यार अगर ये बात आपको समझ में आ गई, इस बच्चे को भी समझ में आ गई, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे पहचाने। इनको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका होता है, तो बटा बेटा क्या तरीका होता है। तो सर आपने अभी जो भी बताया उसके हिसाब से तो यही है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसमें उसकी जो वेरिएबल होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, ठीक है, और वेरिएबल 2 होने चाहिए, उनकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए और ए और बी एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। तो इतना ही आपने बताया, तो बस इसको दिमाग में रख और चल सॉल्व कर। तो देखो 4m + 3n = 12। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ax plus by plus c के फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्योंकि a बस ये 12 उस साइड लिखा हुआ है, इसको इधर ला दूंगा तो -12 हो जाएगा, वो इतना सोचो मत, ये एक ही चीज है। इसको मैं ax plus by equal to c भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो देखो 4m + 3n = 12, तो यहां पर देखो m n दो ही वेरिएबल है, क्या बेटा यहाँ 2 वेरिएबल है, बिल्कुल सर 2 ही वेरिएबल है, और क्या दोनों वेरिएबल की डिग्री 1-1 है, बिल्कुल सर 1-1 है, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन ही है, तो यहां लिख देंगे यस, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अगला देखो 3x² - 7y = 13। अब बताओ बेटा ये क्यों नहीं है, तो सर ये मेरे को देख के लग रहा है 3x² - 7y = 13, यहाँ पे वेरिएबल तो अभी भी 2 ही है, वेरिएबल तो अभी भी 2 ही है, पर इस वेरिएबल की डिग्री देखो भाई, वेरिएबल की डिग्री हो गई 2 और इस वेरिएबल की डिग्री 1 है, पर क्योंकि दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए तो ये हमारा नॉट लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब देखो √2x - √3y = 4। अब बोलोगे सर x और y वेरिएबल तो अभी भी 2 ही है, बेटा वेरिएबल तो अभी भी 2 ही है, पर सर √2 हो सकता है क्या, तो बिल्कुल भाई a b c पे कोई रोक ही नहीं है, a b c तो रियल नंबर है, अगर रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो √2x - √3y जो हो, तो ये भी हमारा सिर्फ देखना है x और y 2 वेरिएबल होने चाहिए या फिर m n p q a b जो है वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब देखो 0x + 6y - 13 = 0। अब ये एक बात बता बेटा, अभी क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो देखो सर यहां पे जो है a 0 है पर b 6 है, दोनों 0 नहीं है,
अगर हमारी सी क्या थी, ए एंड बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, एक साथ यानी कि दोनों जीरो नहीं हो सकते, पर एक तो जीरो हो सकता है। तो बिल्कुल अगर एक जीरो है तो बेटा ये क्या लीनियर इक्वेशन है, तो हाँ सर ये तो लीनियर इक्वेशन है, तो बस इसको बोलो यस। अब देखो 6x माइनस 0y, अब इस बार क्या हुआ, इस बार a 6 है और b 0 है, तो क्या एक 0 हो सकता है, तो हो सकता है, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है यस। अब 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, तो बता बेटा क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो देखो यार यहां पर आप सिंपली देखो, मैंने क्या कहा था दो वेरिएबल होनी चाहिए, तो वेरिएबल यहां पर अभी दो ही है, पर यार वेरिएबल की मैंने क्या कहा था डिग्री 1 होनी चाहिए, तो यार अगर ये नीचे है तो इनकी डिग्री अभी भी 1 है, अभी भी 1 है, पर जैसे ही ऐसे लिखोगे 4x की पावर माइनस 1 प्लस 5y की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई माइनस 1, तो ये नो, तो बड़ा नो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, डिग्री 1 होनी चाहिए भाई। और ये देखो 4xy माइनस y इज इक्वल टू 8, अभी भी यहां पर वेरिएबल दो ही है, एक x और एक y, ये भी सेम वेरिएबल है, डिग्री तो अभी भी दो ही है, पर इसकी भी डिग्री 1 और इसकी भी डिग्री 1, तो दोनों की डिग्री मिला के 2 हो रही है, तो किसी भी अगर वेरिएबल की डिग्री 2 हो रही है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो नो। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सारांश, तो उम्मीद करते हैं इस बच्चे को भी समझ में आएगा और आप लोग को भी समझ में आएगा, तो समझ में आएगा तो लाइक वगैरह कर लेना, वीडियो पसंद वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो करते हैं, थैंक यू।